भक्त भिक्षु संघ को नमन, उपासक उपासिका संघ और प्यारे बच्चों को जय भीम। आज आपने अपनी आंखों से बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति का सांस्कृतिक रूप अपनी आंखों से देखा। यहाँ मैं आया तो मेरी बड़ी आस बंधी कि जो पक्ष अब तक हमारे समाज से दूर था, जिस पक्ष की अब तक हमने बहुत उपेक्षा की, उसको बहुत जानदार और बहुत शानदार तरीके से यहाँ जब पेश किया गया, तो ये आपके लिए बच्चे हो सकते हैं, मगर मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ये हमारे समाज के भावी लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, नौशाद और बहुत बड़े बड़े संगीतकार हैं, जो समाज साहित्यिक आंदोलन से पिछड़ा रहता है वो अपनी सभ्यता का निर्माण नहीं कर पाता। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किया, वो आगे भी इस तरीके के कार्यक्रमों का सहयोग करते रहेंगे, और नहीं तो हम खाली गाली देने के आंदोलन को ही चलाते रहेंगे। हम दुनिया में किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। ये आज आपने इन छोटे छोटे बच्चों से देख लिया। मेरा जैसा व्यक्ति जब इन युवा कलाकारों के बीच में होता है तो मैं भी अपना बुढ़ापा भूल करके इन्हीं की तरह थरकने लगता हूं। एक बारात की घोड़ी होती है जिसपे दूल्हा बैठता है और बैंड बाजा बजता है और वो घोड़ी दूल्हे को लेकर के चलती है। साथियों, एक्सपेरिमेंट करके देखना, अगले दिन उस घोड़ी को तांगे में जोतो, दुलत्ती मारेगी चलेगी नहीं, मगर तांगे में जोतने के बाद भी अगर उसके सामने बैंड बजाओगे, ढोलक नागर बजाओगे, तो वो ठुमक ठुमक करके चलेगी। इसका मतलब जब संगीत का जादू एक जानवर पर चलता है तो हमारे समाज पर भी चलता है, ये आज हमने देख लिया। भाई राहुल, भाई मीनांदर और आपकी पार्टी के जितने भी ये सदस्य हैं, ये बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की सांस्कृतिक क्रांति को आसमान से भी ऊंची बुलंदी देना चाहते हैं। हम हमें लगता है इनके कारनामों की बुलंदी इतनी ऊंची हो गई है, अब हमें आसमान भी ऊंचा करना पड़ेगा। बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन काय में पिट गया, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन काय में पिछड़ गया। ये बच्चों से मैंने वायदा लिया है कि आप 365 दिन तक दौड़ते रहोगे और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन में प्राण फूंकते रहोगे, मगर आज की सबसे बड़ी विडंबना क्या है, बड़े बड़े संगठन एक दिल का आंदोलन बनकर रह गए हैं। मैंने अम्बेडकर जयंती निकाल ली और घर जाकर के सो गया। 364 दिन हमने अपने दुश्मनों को दे दिए और एक दिन निकल के आते हैं, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन एक दिन का रह गया। मैं चाहता हूँ भाई मीनांदर की तरह, भाई राहुल की तरह, भाई हेमंत की तरह, हमारी बिटिया तरन्नुम और वो बुद्ध रक्षिता बुद्ध प्रिया की तरह, ये 24 घंटे का, 30 दिन का, 365 दिन का आंदोलन बने, सम्यक प्रकाशन भी 365 दिन का आंदोलन चला रहा है। जब कभी भी आप देखेंगे इन युवा कलाकारों का अगर आपने हौसला नहीं बढ़ाया, तो साथियों आंदोलन की बुलंदी खाली नारे लगाने से नहीं आती है, उसके लिए कुछ करना पड़ता है, कुछ जेब ढीली करनी पड़ती है, कार्यक्रम में आकर के अपना समय देना पड़ता है। और जब कलाकार की वाणी, कलाकार की प्रतिभा आपके मन मस्तिष्क को छू जाए तो ताली बजा के उसका उत्साहवर्धन भी करना पड़ता है। आज हम ये संकल्प लें, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की क्रांति के अंदर जो बड़ी बड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी हैं वो भोंदूगिरी से ग्रस्त हैं, हम इन बच्चों को साथ लेकर के हम बड़े बड़े संगठनों के पास जाएंगे और हाथ जोड़कर जाएंगे और कहेंगे कि आपके पद आपको
तो मुबारक, हमें पद नहीं चाहिए, हमें 365 दिन का कार्यक्रम चाहिए। और साथियों, हमें यकीन है भाई राहुल नागपाल, हमें यकीन है भाई मीनांदर और हेमंत, हमें यकीन है कि ये लोग अगर हमारे हाथ जोड़े की नहीं रखेंगे तो हमें आत्मरोड़ने भी आते हैं। हम हाथ जोड़ेंगे और नहीं मानी तो हाथ मरोड़ेंगे, मगर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन को 365 दिन का आंदोलन बनाएंगे। यही मेरा आज का पैगाम है। और इन बच्चों ने जितनी मेहनत की है और ये जो जितना सफल संघर्ष लड़ा है, इस पर एक ग्रंथ भी लिख दिया जाए तो कम नहीं होगा। साथियों, इन बच्चों से सबक लेना, ये वो बच्चे हैं जो स्थापित मंचों के पदाधिकारियों द्वारा तिरस्कृत हैं। ये सच्चे भीम पुत्र हैं। इन्होंने किसी के मंच पर पर्ची देने के स्थान पर अपना शानदार मंच बनाया है, इसलिए ये अब औरों को समय देने वाले बन गए हैं। इनका साधुवाद करना और बगैर विवाद इनको देना आशीर्वाद। देखते हैं बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का आंदोलन कैसे परवान नहीं चढ़ता है। सावधान रहना, सतर्क रहना, जागते रहना। जब हमारे सफल कार्यक्रम होते हैं उनके बाद भी फिर एक बदनाम करने का आंदोलन चलता है। इसलिए मेरे भाइयों, भीम सेनानियों, सजग रहना। इन बच्चों के बारे में अगर कोई उल्टी बात करता है उसे सबक सिखाने का काम करना। बस इतना कहते ही आपसे रजा चाहता हूँ, अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि समय भाषण का नहीं है। भाषण जीवन भर दिया है, अब भाषण के स्थान पर ये राशन वाले कार्यक्रम होने चाहिए, लोगों की सांस्कृतिक भूख मिटाने वाले कार्यक्रम होने चाहिए। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम तो मात्र एक बहाना है, चाहे 6 जुलाई को शाह ऑडिटोरियम में हुआ हो, चाहे बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के कॉलेज के आंगन में हुआ हो, ये कार्यक्रम तो मात्र बहाना है। असली उद्देश्य तो अपनी सोती हुई जनता और भोंदू पदाधिकारियों को जगाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सबको जय भीम, नमो बुद्धाय और जय देंगे। पाकिस्तान को भारत बना देंगे।